हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बिजनेस स्टडीज क्लास। गाइस, इन लास्ट क्लास वी कंप्लीटेड फर्स्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, दैट इज मैस्लो थ्योरी। बच्चों, जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में हमने BST के चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम मोटिवेशन था, तो मोटिवेशन से एक थ्योरी को कंप्लीट किया था जो मैस्लो ने लिखी थी। और मैस्लो ने जो थ्योरी लिखी थी वो उसकी 5 नीड्स पे थी। किस पे थी? 5 नीड्स पे, मतलब एक पर्सन की, एक इंडिविजुअल ह्यूमन बींग की कुछ 5 जरूरतें होती है। तो उन 5 जरूरतों के बेसिस पे मैस्लो ने एक थ्योरी लिखी थी, जिन 5 जरूरतों को पूरा करके आप किसी भी ह्यूमन को मोटिवेट कर सकते हैं। वो मैस्लो का ओपिनियन था। तो हम BST के अंदर चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमने 5 टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम हमारा 6th टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो 6th टॉपिक को शुरू करने से पहले एक बार छोटा सा रिविजन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले टॉपिक में हमने मोटिवेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। मोटिवेशन के इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि मोटिवेशन एक प्रोसेस है जिससे हम किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को एनकरेज करते हैं ताकि वो अपनी बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस दे सके। देन हमने फीचर्स ऑफ मोटिवेशन देखे थे। मोटिवेशन के कुछ फीचर्स थे, जैसे कि मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, डायनामिक प्रोसेस है। तो हमने यहाँ पे मोटिवेशन के फीचर्स को डिस्कस किया था। देन हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन देखा था कि एक्चुअल में मोटिवेशन जो है वो हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है, हमारे लिए इतना मायने क्यों रखता है। तो हमने इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन को डिस्कस किया था। क्लियर है? देन हम टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन पे आए थे, 4th नंबर पे। तो टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन में हमने 2 टेक्निक देखी थी, एक थी हमारी फाइनेंशियल टेक्निक और एक थी हमारी नॉन फाइनेंशियल टेक्निक। क्लियर है? तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स में हमने देखा था कि फाइनेंशियल में हम किसी भी पर्सन को या किसी भी एम्प्लॉय को फाइनेंशियली बेनिफिट देके, मॉनेटरी बेनिफिट देके उसे मोटिवेट करने की कोशिश करते हैं। और नॉन फाइनेंशियल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, वहाँ हम उसको रिस्पेक्ट, उसको कोई अवार्ड, उसका प्रमोशन, उसके काम में बढ़ोतरी, ये सब चीज़ें देके हम उसे मोटिवेट करते हैं। देन हमने हमारे मोटिवेशन की फर्स्ट थ्योरी डिस्कस की थी, जिसका नाम था मैस्लो थ्योरी। और मैस्लो ने अपनी थ्योरी एक ह्यूमन की 5 जरूरतों के ऊपर लिखी थी। तो 5 जरूरतों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। आज इन थ्योरीज के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारी 6th नंबर की थ्योरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। क्या नाम है? हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। मैस्लो की तरह हर्ज़बर्ग भी एक मैनेजमेंट फिलोसोफर थे। मैस्लो ने तो क्या किया था, एक ह्यूमन की नीड के ऊपर ध्यान देके अपनी थ्योरी लिखी थी। क्लियर है? मगर एक एम्प्लॉय की तरह नहीं सोचा था, एक एम्प्लॉय की जरूरतों को ध्यान में लिखते हुए थ्योरी यहां पे नहीं दी थी। क्लियर है? तो मैस्लो के काम को जिन्होंने आगे बढ़ाया, जिन्होंने एक्सटेंड किया, वो थे हमारे हर्ज़बर्ग। और हर्ज़बर्ग ने एक थ्योरी दी जिसका नाम था हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी। एक्चुअल में हर्ज़बर्ग ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाके उन्होंने और उनकी टीम ने सर्वे किया। वहां उस सर्वे को करने से पहले उन्होंने उस ऑर्गेनाइजेशन में से 200 एम्प्लॉयज को पॉइंट आउट किया, कि 200 लोगों को इकट्ठा किया, और 200 के 200 लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय थे, वहां के कर्मचारी थे। उनमें से कुछ अकाउंटेंट थे और कुछ क्या थे, इंजीनियर थे। आप ऐसा मान लीजिए भाई, 200 लोग जो 200 एम्प्लॉय थे हर्ज़बर्ग किसी ऑर्गेनाइजेशन में गए, वो और उनकी टीम, वहां जाके उस ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने 200 लोगों को चुना, 200 जो पर्सन थे, 200 जो एम्प्लॉयज थे, उन्होंने चुना। और उनसे 2 क्वेश्चन पूछे। कितने क्वेश्चन पूछे? 2 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बताने से पहले एक बार दोबारा बता दूं, वो 200 जो एम्प्लॉय थे उनमें से कुछ थे अकाउंटेंट और कुछ थे इंजीनियर, और उन अकाउंटेंट और इंजीनियर से 2 क्वेश्चन पूछे। उनसे पहला क्वेश्चन पूछा, व्हेन डिड यू फील गुड अबाउट योर जॉब, आपको अपनी जॉब के बारे में कब अच्छा लगता है। जब होता है ना, हम किसी से पूछते हैं, यार तू इतना काम करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, तो वहां काम करते वक्त तेरे को सबसे अच्छा कब लगता है। और दूसरा क्वेश्चन पूछा, व्हेन डिड यू फील अबाउट बैड योर जॉब, कहने का मतलब है कि आप कब अपनी जॉब के लिए बुरा फील करते हो। मतलब कि 2 क्वेश्चन पूछे हर्ज़बर्ग ने उन 200 एम्प्लॉय से। पहला क्वेश्चन क्या पूछा? पहला क्वेश्चन पूछा कि आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं तो आपको आपकी जॉब में सबसे अच्छा क्या लगता है। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछा कि वो मोमेंट बताइए जब आपको आपकी जॉब में सबसे बुरा लगता है। तो अच्छा लगने पे कई लोगों ने कहा कि जब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है, जब हमें नया टास्क दिया जाता है, जब हमें अच्छा लगता है। कुछ ने कहा कि जब हमें सैलरी टाइम पे मिलती है, जब अच्छा लगता है।
किसी ने कहा कि कभी हम कोई अच्छा काम करते हैं और हमें उसके लिए अचीवमेंट मिलता है, हमारा वहाँ पे सम्मान होता है, हमें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर एम्प्लॉय ऑफ द वीक का अवार्ड दिया जाता है जब हमें अच्छा लगता है। कईयों ने कहा कि जब मैनेजर हमसे आके पूछता है किसी को कोई समस्या तो नहीं है जब हमें अच्छा लगता है, तो ऐसा लोगों ने बताया जब ये क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन डिड यू फील गुड अबाउट योर जॉब। जब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया व्हेन डिड यू फील गुड अबाउट सॉरी बैड अबाउट योर जॉब, तो लोगों ने क्या कहा, हमें बुरा कब लगता है, जब हम कोई काम करना चाहते हैं और हमारा मैनेजर हमें आके रोक देता है। हमें बुरा कब लगता है, जब हम हमारी तरफ से कोई एडवाइस देते हैं कोई सजेशन देते हैं मैनेजर को या टॉप लेवल के लोगों को तो वो उसका विरोध करने लग जाते हैं। हमें बुरा कब लगता है, जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग कंडीशन सही नहीं होती है, वहाँ पे पॉलिटिकल माहौल होता है, तो भी हम लोगों को क्या लगता है, बुरा लगता है। कुछ ने कहा कि जब सैलरी और वेजेस टाइम पे नहीं आते हैं जब भी हमें बुरा लगता है। तो हर्ज़बर्ग और उनकी टीम ने क्या किया, एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके 200 एम्प्लॉयज से क्वेश्चन पूछा। उन 200 एम्प्लॉयज में से कुछ अकाउंटेंट थे और कुछ इंजीनियर थे। उनमें से पहला क्वेश्चन पूछा कि आपको अपनी जॉब के बारे में पर्टिकुलरली अच्छा कब लगता है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि आपको पर्टिकुलरली जॉब के बारे में बुरा कब लगता है। तो जो जो मैंने आपको बातें बताई लोगों ने अपना ओपिनियन दिया, लोगों का ओपिनियन लेके टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की और उन पे एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद हर्ज़बर्ग ने 2 फैक्टर थ्योरी बनाई, जिसमें से पहला फैक्टर था हमारा हाइजीन फैक्टर और दूसरा फैक्टर था हमारा मोटिवेटिंग फैक्टर। यानी हर्ज़बर्ग की थ्योरी में 2 फैक्टर है, पहला फैक्टर है आपका हाइजीन फैक्टर और दूसरा फैक्टर है आपका मोटिवेटिंग फैक्टर। तो हाइजीन फैक्टर के अंदर कुछ बातें लिखी हुई हैं और कुछ बातें किसमें लिखी हुई है, मोटिवेटिंग फैक्टर। और ये दोनों फैक्टर कैसे आए, 200 एम्प्लॉयज से 2 क्वेश्चन पूछे गए, उनके जो सुझाव थे या उनके जो रिस्पॉन्स था उनका जो फीडबैक था उसके बेसिस पे एनालाइज करके एक थ्योरी बनाई गई, हर्ज़बर्ग 2 फैक्टर थ्योरी, जिसमें 2 फैक्टर थे, पहला हाइजीन फैक्टर था और दूसरा आपका मोटिवेटिंग फैक्टर था। क्लियर है गाइस, हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर में क्या है जरा ध्यान दीजिए। हाइजीन फैक्टर का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इन सभी फैक्टर्स का होना नेसेसरी है, वहां पे ये सब चीजें तो होनी चाहिए अगर उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है। और मोटिवेटिंग फैक्टर में वो आते हैं जो कहीं ना कहीं उनके काम को उनकी परफॉर्मेंस को और ज्यादा बढ़ाते हैं। जैसे हाइजीन फैक्टर की बात करते हैं, कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी की जो नीतियां हैं, कंपनी का जो काम करने का तरीका है वो अच्छा होना चाहिए और उसकी पॉलिसीज के अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जिसका एम्प्लॉयज रिस्पेक्ट करें और एम्प्लॉयज उसे पूरे अपने सही तरीके से वेल मैनर के अंदर फॉलो करें। क्लियर है। एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिन पैनल है, जो बड़े लोग हैं जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं अगर वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं होगा तो काम करने का मन भी नहीं लगेगा। क्लियर है। वर्किंग कंडीशन, जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वहाँ की वर्किंग कंडीशन तो अच्छी होनी चाहिए, उनके अकॉर्डिंग काम होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए। अकॉर्डिंग से मतलब ये नहीं कि जिसको जैसा अच्छा लगता है, एक यार हम भी चाहते हैं कि एक एनवायरनमेंट हो जहाँ पे काम करने का मन लगे, सब लोग काम के अंदर अपना एफर्ट्स लगा रहे तो वहाँ जाके हम भी हमारा योगदान दें। इंटरपर्सनल रिलेशन, जो लोग काम कर रहे हैं चाहे वो टॉप लेवल के हैं मिडिल लेवल के हैं लोअर लेवल के हैं, उनके बीच में जो रिलेशन है वो रिलेशन भी अच्छे होने चाहिए, काफ़ी अच्छे हद तक होने चाहिए। सैलरी और वेजेस टाइम पे मिलने चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है लोगों के काम के अंदर। और जॉब सिक्योरिटी, जो लोग काम कर रहे हैं तो वो जॉब सिक्योरिटी उनको देनी चाहिए। क्लियर है। तो हाइजीन फैक्टर क्या कर रहा है, हाइजीन फैक्टर तो सारे पॉइंट वही है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने चाहिए, जैसे कंपनी की पॉलिसीज अच्छी होनी चाहिए, कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा होना चाहिए, कंपनी की वर्किंग कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, कंपनी के अंदर इंटरपर्सनल रिलेशन है जो लोगों के बीच में वो अच्छे होने चाहिए, सैलरी और वेजेस अच्छे होने चाहिए मतलब टाइम पे उन्हें मिलने चाहिए, और जॉब सिक्योरिटी होनी चाहिए। मोटिवेटिंग फैक्टर्स क्या कहते हैं जरा हम एक बार ये ध्यान देते हैं। अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको अचीवमेंट देना है। अचीवमेंट से मतलब क्या, अचीवमेंट से मतलब है अगर उन्होंने अच्छा काम किया है तो आप उन्हें अचीवमेंट दीजिए, आप उन्हें प्रेज कीजिए, ऑनर वही बात आ गई, प्रेज एंड ऑनर हमने पहले भी पढ़ा था। डेवलपमेंट, आप उनको मौका दीजिए जिससे उनके अंदर डेवलपमेंट आए, डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको देनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उन्हें जिम्मेदारी दीजिए ताकि वो मोटिवेट हों, उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाएं, और उनका पर्सनल डेवलपमेंट भी आपको यहाँ पे करना है। क्लियर है। तो हर्ज़बर्ग का जो है उन्होंने 2 फैक्टर थ्योरी दी, उन्होंने मैस्लो के काम को आगे बढ़ाया। जब 2 फैक्टर थ्योरी दी तो एक ऑर्गेनाइजेशन के 200 एम्प्लॉयज
जिनमें से कुछ अकाउंटेंट कुछ इंजीनियर थे, उनसे दो क्वेश्चन पूछे कि उन्हें अपनी जॉब के बारे में कब अच्छा लगता है और दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि उन्हें जॉब के बारे में कब बुरा लगता है। क्लियर है? हाइजीन फैक्टर और मोटिवेटिंग फैक्टर जो इनके रिस्पॉन्स थे, इनके फीडबैक थे, उनके बेसिस पे बनाए गए जो हर्ज़बर्ग थ्योरी के दोनों फैक्टर है। पहला फैक्टर हाइजीन और दूसरा फैक्टर आपका मोटिवेटिंग फैक्टर। हाइजीन फैक्टर का होना कंपलसरी है और मोटिवेटिंग फैक्टर हम हमारे टाइम के हिसाब से, काम के हिसाब से उपयोग में लेते हैं, जिसमें हम एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? आई होप कि आप सभी को मोटिवेशन का इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, उसके जो इम्पोर्टेंस थे, टेक्निक्स थी, मैस्लो की जो थ्योरी थी, हर्ज़बर्ग की थ्योरी जो आज हमने डिस्कस की, वो सब समझ आई होगी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें थ्योरीज का सिलसिला जारी रखेंगे। अभी भी दो थ्योरी बची है हमारी, एक ग्रेगर की एक्स एंड वाई थ्योरी है और एक विलियम साउची की जेड थ्योरी है। तो आने वाले दो क्लासेस के अंदर वो दोनों थ्योरीज भी खत्म होगी, देन हमारा मोटिवेशन वाला चैप्टर खत्म होगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।